मोहतरम सामईन, हर किस्म की तारीफ अल्लाह ही के लिए है और लाखों दरूद सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैंने आपके सामने सूरह ज़ुमर की आयत का एक किता एक टुकड़ा पढ़कर सुनाया है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि क्या इल्म वाले और नादान दोनों बराबर हो सकते हैं? यकीनन अकलमंद ही नसीहत हासिल कर सकते हैं। सच कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि अकलमंद ही नसीहत हासिल कर सकते हैं। मैं बारहा कह रहा हूँ कि औरतों में चुप हो जाएं, क्यों खामखा शोर मचा रहे, लेकिन आपको यह बात समझ में नहीं आ रही है। मुझे मौजू दिया गया है कि खवातीन और तालीम, मैं क्या बताऊं जब हमारी खवातीन खामोश ही नहीं बैठी हैं। अल्लाह हिदायत दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर यह फरमाया क्या इल्म वाले और नादान दोनों बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं। अल्लाह इल्म वाले और नादान दोनों बराबर नहीं हो सकते। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म की बाबत मर्द और औरत दोनों को बराबर करार दिया। ये नहीं कहा कि जो मर्द हजरात इल्म हासिल करते हैं वो मर्द हजरात से बेहतर हैं, या वो और ख्वातीन जो और जो इल्म हासिल करती हैं वो ख्वातीन से बेहतर हैं, बल्कि अल्लाह ने यहाँ मुसावात इल्म के बारे में दोनों को बराबर ठहराया और कहा कि इल्म वाले और नादान जिनके पास इल्म ना हो दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। मुआशरे की इस्लाह, एक मुआशरे की इस्लाह, एक कामयाब मुआशरा उस वक्त बनता है जिसके मर्द और ख्वातीन दोनों तालीम याफ्ता हों। इल्म किसी भी मुआशरे की इस्लाह और कामयाबी का अहम रुकन है। जिस मुआशरे में इल्म नहीं पाया जाता, जिस मुआशरे में तरबियत नहीं पाई जाती, वो मुआशरा कभी कामयाब ना होता। इसीलिए हर मुआशरे की इस्लाह में इल्म को असासी अहमियत हासिल है, बुनियादी अहमियत हासिल है। इसलिए कुरान मजीद ने बारहा इल्म की तरफ अहमियत दिलाई, बल्कि इबादत से पहले इल्म को कहा। कहा अल्लाह ने सूरह मुहम्मद के अंदर फअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तगफिर लिदंबिक, यकीन जान लो, इल्म हासिल कर लो कि ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, अल्लाह की मारिफत क्या है, फिर तुम अपने गुनाहों की मगफिरत करो। लिहाजा इल्म एक बुनियाद है जिस बुनियाद पर इंसान इबादत करता है, जिस बुनियाद पर इंसान अपनी जिंदगी संवारता है और अपनी जिंदगी गुजारता है। मोहतरम सामईन और सामियात, प्यारी माँ और बहनों, यकीनन एक मर्द इल्म हासिल करता है तो उससे मुआशरे को फायदा जरूर है, लेकिन जब एक औरत इल्म हासिल करती है, जब एक औरत इल्म हासिल करती है तो सारा कुंबा सारा कबीला उससे फायदा उठाता है, क्योंकि इल्म की जरूरत बच्चे के लिए सबसे पहले पेश आती है। लिहाजा जरूरत है कि माँ तालीम याफ्ता हो। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु के पास एक शख्स ने आकर शिकायत की, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं अपने साथ अपने बेटे को लेकर आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे को नसीहत करें, बताएं कि माँ बाप के क्या हुकूक हैं। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ने उस लड़के को बताया कि माँ बाप के क्या क्या हुकूक उस पर आयद होते हैं। जब बातें सब सुनी, लड़के ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, जरा मेरे अब्बा जान से ये भी बता दीजिए कि माँ बाप पर बच्चों के क्या हुकूक हैं, माँ बाप पर क्या हुकूक हैं। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि इंसान के लिए बुनियादी तीन बातें हैं, जब अपने बच्चों की माँ चुने तो अच्छी चुने, तालीम याफ्ता चुने, और जब बच्चा पैदा हो तो अच्छा नाम रखे, जब बड़ा हो तो उसे दीन की तरबियत करे। तो लड़के ने कहा, मेरे वालिद मोहतरम ने जब मेरी माँ चुनी तो गैर इस्लामी माँ चुनी, एक मजूसिया से उन्होंने शादी की, जब मैं पैदा हुआ तो उन्होंने मेरा नाम जुअल रखा, यानी वो गंदा कीड़ा जो जमीन पर चलता है, और जब मैं बड़ा हुआ मुझे कुरान मजीद की कोई आयत भी इन्होंने नहीं सिखाई। तो अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि तुमने इसका बचपन मार दिया, इसकी कोई तरबियत नहीं की, अब तुम अपने हकूक लेने चले आए हो, अब तुम अपने हकूक मांगने आए हो। मोहतरम सामईन, ये बेटियां आंखों का तारा होती हैं, ये बेटियां बाप का कलीजा होती हैं, बाप इन्हें हर अच्छी खुशी देना चाहता है,
अगर सबसे अच्छी खुशी देना चाहता है वो अच्छी तरबियत और अच्छी तालीम है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन नसाई की रिवायत है आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन इब्तुलिया मिन हादिहिल बनात फसबरा अलैहिन कुन्न लहू हिजाबन मिनन नार, जो भी इन बच्चों के नाज़ो नखरे को संभालेगा, इन बच्चों की तरबियत करेगा, इन बच्चों की मुसीबतों को झेलेगा, सब्र करेगा, ये लड़कियां कल कयामत के दिन आग से पर्दा बन जाएंगी, ये बेटियां बाप को आग से बचाएंगी। सच कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसको अल्लाह ने दो बेटियां दी हों, जिसको अल्लाह ने तीन बेटियां दी हों, जिसको अल्लाह ने चार बेटियां दी हों, उनकी अच्छी तरबियत करे, उनकी नशो नुमा अच्छी करे, उनको तालीम याफ्ता बनाए, तरबियत याफ्ता बनाए और अच्छे घरानों में शादी करे, तो ऐसे शख्स के लिए जन्नत है। जी हाँ, तो लिहाजा ये बेटियां आंखों का तारा होती हैं, लिहाजा इन्हें तालीम से आरास्ता और पैरास्ता किया जाए। मैं सलफ में कई ऐसे वाकयात आपको बताता चलूं जहां सलफ ने अपनी बेटियों की तरबियत की, और सलफ सालिहीन के पास वो लड़कियां वो बेटियां जो तालीम याफ्ता होती या हुनर याफ्ता होती, उनकी बड़ी इज्जत हुआ करती थी, बड़ी इज्जत हुआ करती थी। सबसे पहले हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह, सही बुखारी का वाक़िया है कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास कई चादरें आईं। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने औरतों में उनको बांट दिया, एक बेहतरीन चादर रह गई, एक अच्छी चादर रह गई। लोगों ने कहा कि आप अपनी बीवी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को दे दें। कौन? उम्मे कुलसूम बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को, जो है अली की बेटी, आपके निकाह में थी। कहा कि आप अपनी बीवी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी हैं, उन्हें आप दे दें। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि इसकी हकदार उम्मे सुलैत हैं। कौन है? उम्मे सुलैत अंसारिया हैं। पूछा गया कि क्यों वो ज्यादा हकदार हैं? कहा कि ये वो औरत है उम्मे सुलैत, ये वो औरत है कानत तज़रिफुल क़िरबा फी यौम उहद, के जंगे उहद के मौके पर पानी के मिश्कीजों को सिला करती थी। इनके पास एक सुनात, एक हरफत, एक कारीगरी है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो चादर उठाकर उन्हें अता की। लिहाजा तालीम, एक हरफत, एक कारीगरी, इसकी कदर व कीमत है, इसकी कदर व कीमत है। और सलफ की बेटियां, सलफ की बीवियां जाहिल नहीं हुआ करती थीं, बल्कि तालीम से आरास्ता और पैरास्ता हुआ करती थीं। आप जानते हैं कि मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रसूलुल्लाह ने नबुवत को फैलाया, दावत दी, तो कुछ ही औरतें थीं जो पढ़ना लिखना जानती थीं। उनमें से कुछ औरतों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को पढ़ना लिखना सिखाया, जिनमें उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी हैं। आप ने जब उनसे शादी की, जानते हैं कि औरतों में सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करने वाली वो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। हजारों रिवायतें उन्होंने याद की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल को, रोजमर्रा की जिंदगी को याद किया और लोगों तक बताया। इतना ही नहीं, आप देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बीवी, ये ज़ौजा मुतहरा अपने बाद शागिर्दा को छोड़ गई। आपके बाद ताबईयात में सबसे बेहतरीन अमरा बिनत अब्दुर्रहमान जो ताबईया थी, ताबईयात में सबसे अफजल थी, राविया अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी, उनको छोड़ गई, जो इल्म का एक बड़ा गहवारा और एक मदरसा थी। इतना ही, सईद बिन मुसैब जिनकी महफिलें मदीने में सजा करती थीं, जिनकी मजलिसें इल्मी मस्जिद नबवी में लगा करती थीं, एक मरतबा अपने एक शागिर्द अबू वदा को नहीं पाया। पूछा कि कहाँ है ये अबू वदा? कहने लगे कि उनकी बीवी का इंतकाल हो गया, 3 दिन हो गए जब वो लौट कर आए। कहा कि तुम हमारी महफिल में, मजलिस इल्मी में क्यों हाजिर न थे? बताया कि मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। कहा कि क्या तुमने दूसरी शादी की है? कहा कि मैंने दूसरी शादी अभी तक नहीं की, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे कौन बेटी देगा? तो सईद बिन मुसैब रहिमहुल्लाह ने कहा, मैं तुम्हें अपनी बेटी दूंगा, क्या मैं अगर अपनी बेटी से शादी करूं तो तुम राजी होगे? कहा, आपकी बेटी को कौन ठुकराएगा, आपकी बेटी को कौन ठुकराएगा? उस्ताद की बेटी है, आप ये मत समझे कि उस्ताद ने अपनी बेटी, कहीं शादी ना हुई इसलिए अपने एक शागिर्द को थोप दी, ऐसा नहीं था। बल्कि सईद बिन मुसैब दामाद अबू हुरैरा के थे, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो खूबसूरती,
जिनके जिनकी बेटियां माशाल्लाह इल्म और खूबसूरती का एक मुजस्म थी, एक पैकर थी। जी हाँ, जब रात का वक्त आया, सईद बिन मुसैब अपनी बेटी को लिए घर गए, खिटखिटाया, कौन है? कहा कि सईद हूं। कहते हैं सईद बिन मुसैब के शागिर्द कहते हैं, मेरे जहन में वो सारे सईद चले आए जो मदीने में थे, जिनको मैं जानता था, लेकिन मेरे उस्ताद मोहतरम का ख्याल नहीं आया। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने सईद बिन मुसैब है। कहा कि देखो, ये तुम्हारी बीवी है, मैंने शादी कर दी है, अपनी बेटी को रुख्सत कर दिया और दरवाजा बंद करके चले आए। देखें, बताने का मकसद यह है कि कितनी आसानी से उन्होंने शादी की। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आपकी बेटी यानी उस्ताद मोहतरम की बेटी काली पीली रही होगी, अनपढ़ रही होगी, कहीं से रिश्ता ना आता होगा, इसलिए सईद बिन मुसैब ने लगा दिया होगा। नहीं, जब वो सुबह हुई, तैयार होकर जाने लगे, पूछा कहां निकल रहे हैं? कहा कि मैं अपने उस्ताद मोहतरम सईद बिन मुसैब की महफिल में जाना चाहता हूं। तो कहती हैं, तआल उअल्लिमुका इल्म सईद, आओ मैं तुम्हें सईद बिन मुसैब का इल्म तुम्हें सिखाऊं। मैं पता चला कि जो बाप का इल्म था वो उस बेटी के पास मौजूद है, उस बेटी के पास मौजूद है। हमारी ख्वातीन ऐसी हुआ करती थी, जिनके पास इल्म हुआ करता था, इल्म की बुनियाद पर बात किया करती थी। हज़रत आयशा, मेरा वक्त खत्म हो चला है, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तारीफ करती है अंसार की औरतों की। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने नकल किया है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, निअमन निसाउ निसाउल अंसार, बेहतरीन औरतें इस और अंसार की औरतें हैं। लम यकुन यमनाउहुन अल हया मिन अन यतफक्कहना फिद्दीन, हया उन्हें कभी इस बात के लिए आड़ ना आई कि दीन में दीन का इल्म हासिल करें, दीन की फिक्र हासिल कर सकें। कई मिसालें आपको मिलती हैं। उम्मे सुलेम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आती हैं, आकर पूछती हैं, अल्लाह के रसूल, इन्नल्लाहा ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह हक कहने से नहीं शर्माता, क्या औरत को भी वो हालत तारी होती है जो मर्द को तारी होती है? यानी मर्द जब ख्वाब में कोई चीज देखता है तो क्या औरत भी वैसी चीज देखती है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जी हाँ। इतनी बात से तशफी नहीं हुई, उम्मे सलीमा रज़ियल्लाहु ताला ने उनका चेहरा ढांप लिया, पीछे कर लिया। इतनी बात से तशफी ना हुई, फिर कहा कि क्या औरत को भी इहतलाम होता है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, फबिमा युशबिहुहा वलदुहा, भला बतलाओ कि कभी कभी बच्चा माँ की तरह क्यों हो जाता है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, रसूल थे, जवाब देना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। लेकिन अंसार की औरतें हक कहने से नहीं शर्माती थी, इल्म हासिल करने से नहीं शर्माती थी। मैं भी यही कहना चाहता हूं कि आज की दुनिया में 1948 से, जब से मगरबी ममालिक ने मुसावात का बाब चलाया, यानी मर्द और औरत की मखलूत तालीम होनी चाहिए, मर्द और औरतों को मिलाकर इल्म हासिल इल्म देना चाहिए, यह बुरी वबा फैल चुकी है। आज हमारी लड़कियां डॉक्टर बनती हैं, इंजीनियर बनते हैं, तो मखलूत तालीमों में बनती हैं। ऐसे मदारिस भी हैं जहां आपके बच्चियों को बुलाकर कहा जा रहा है कि अपनी बच्चियों को लेकर आए, जहां हम दीन की तालीम देंगे, दीनों दुनिया दोनों दिया जाएगा। लिहाजा ऐसे मदारिस से पीछे ना रहें, अपने बच्चियों को तालीम दें, दीन की तालीम दें, इस्लाम की तालीम दें। यकीनन यही कामयाबी है, दीनी इल्म ही असल इल्म है, यही दुनिया है, यही आखिरत है। लिहाजा अल्लाह आखिरत के इल्म को तरजीह दे, दुनिया के पीछे ना पड़े। يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون, ये दुनिया की जेब व जीनत के पीछे पड़े हैं और आखिरत से गाफिल है। लिहाजा आखिरत का इल्म सिखाएं, अपने बच्चों को अल्लाह का डर बताएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सिखाएं, उन्हें ये बताएं कि قال الله قال الرسول क्या है। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अमूमन हमारे मुआशरे में एक बात यह है, 15-20 साल पहले किसी लड़की को अहले हदीसों में हाफिज नहीं पाते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप कई हाफिजात हैं। ये तसव्वुर है कि बच्चियां हिफ्ज नहीं कर सकती, मैं कहता हूं ये सरासर गलत तसव्वुर है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, 10 लड़कों को रखें, 10 लड़कियों को हिफ्ज करवाएं, लड़कियां जल्दी हिफ्ज करती हैं। जी हां, उनके पास इल्म हासिल करने का जज्बा होता है। लिहाजा अपने बच्चों को कुरान सिखाएं, अहादीस सिखाएं, तालीम दें, यकीनन ये तालीम की मोहताज हैं। अगर मोहताज हैं तो जमाने के एतबार से कल अल्लाह कल रसूल की मोहताज हैं। अल्लाह से दुआ है,
कि अल्लाह तबारक ताला हमारी माँ और बहनों और बेटियों को दीनी इल्म अता फरमाए और मिसाली ख्वातीन बनाए, तालीम याफ्ता ख्वातीन बनाए। آمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين وجزاكم الله خير وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم।